क्या कर रहे हो जीव्स? अपने रंग में तुम्हें रंग रहे हैं रानी, ताकि किसी और के रंग का निशान बाकी भी नहीं रहे। अभी भी वक्त है जीव्स, ये शादी रोक दो। तुम बस राज की बातों में आ रही हो रानी, वो तुमसे दोस्ती नहीं करता, बस एक दोस्त बनने का घटिया सा नाटक कर रहा है। हम जानते हैं जीव्स, वो प्यार को दोस्ती का नाम दे रहा है और तुम दोस्ती को प्यार का, लेकिन ना वो कामयाब होगा और ना ही तुम। आज का मुहूर्त कहीं बरसों में एक बार आता है। कहते हैं इस मुहूर्त में अगर लड़का लड़की को माला पहना दे तो कोई रस्म रिवाज की जरूरत नहीं होती, पूरी तरह से शादी हो जाती है। तेरे पिता और माता की भी इसी मुहूर्त में शादी हुई थी। ये ले, हमारे खानदानी जेवर में से बस यही बच गया है। तेरे पिता ने तेरी माँ को ये तोहफे में दिया था। ये सिर्फ गहना नहीं है रानी, ये उनका आशीर्वाद भी है और तेरा मंगलसूत्र भी। माँ भवानी तुझे सदा सुहागन रखे। रानी तुम अब तक तैयार नहीं हुई, जीव जाता ही होगा। एकदम किराए के धूले लग रहे हो। जब प्यार किराए का है, दुल्हन किराए की है, तो दूल्हा भी तो किराए का ही लगेगा ना। तुम्हें जो भी कहना है लवी, साफ साफ कहो। तो सुनो, हमने डवी से बात की थी लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। जिस तरह से वो हर रस्म में रानी को तैयार करने की जिद करके बैठा है ना, हमें कहीं से नहीं लगता कि वो रानी से दूर रहने की कोशिश भी कर रहा है। And you know what? वो अभी भी इस वक्त भी रानी के साथ है। चीफ्स, हम तुम्हें समझा रहे हैं, समझ जाओ। रानी को देख के कब राजा का इरादा बदल जाए कोई नहीं कह सकता। तुम्हें हमें किसी और की दुल्हन बनाने का बहुत शौक है ना राजा? तो हमें तुम क्यों नहीं तैयार कर देते? दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं राजा, कुछ रिश्ते जिन्हें समझा नहीं जाता या हम समझना नहीं चाहते, जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होता है। पर कुछ एहसास अधूरे ही रह जाए तो बेहतर होता है। जिस अफसाने को अंजाम तक ले जाना मुमकिन ना हो, उसे किसी खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना ही अच्छा होता है रानी। जीव्स, राजा रानी को किसी मोड़ पे अकेला नहीं छोड़ रहा है, तो वो मंडप में उसे कैसे अकेला छोड़ेगा? तुम उन दोनों को अकेला छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती तुमने की है लेकिन सजा हम दोनों को मिलेगी। ना हमें राजा मिलेगा और ना तुम्हें रानी मिलेगी। राजा कहाँ है? यार
कल तेरे जीव से शादी है, तेरे हाथों में उसके नाम की मेहंदी लगने वाली है और तू अभी भी सर को याद कर रही है। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है मीन, कुछ गलत हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा है। छुटे आना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सिर्फ हम तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि तुम हमारे साथ महफूज रहोगी, हमारे साथ। राजू तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं ना, और जीव्स हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते रानी? क्योंकि हमारी शादी राजा से हो चुकी है। हम उसके हो चुके हैं जीव्स। हमें माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें बहुत चोट पहुंची, लेकिन हमने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला जीव्स। सच ये है कि हमारी और राजा की तकदीर जुड़ी हुई है। वो सिर्फ हमारा राजा बाजा है और हम सिर्फ उसकी रानी। हम नहीं मानते शादी को रानी। तो मत मानो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम मानते हैं। और अब राजा में अपना है या किनारे कर दे, हम उसके हमेशा हमेशा के लिए हो चुके हैं। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो रानी? मैंने आज तक तुम्हें जख्मों के अलावा और दिया ही क्या है, फिर भी तुम मेरी होना चाहती हो, क्यों? क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं राजा। साथ छोड़ने के हजार वजह हो सकती है, अगर दिल में प्यार हो तो साथ रहने की एक वजह उन साथ छोड़ने की हजार वजहों पे भारी पड़ती है। और अगर मैंने तुम्हें फिर से दर्द दिया तो मेरे साथ रहकर तुम टूट जाओगी रानी। अगर तुम समेटने को तैयार हो तो हम तुम्हारे हाथों हजार बार टूट के बिखरने को तैयार है राजा। पर मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकता, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ रानी। तो खुद को हमसे दूर मत करो राजा, हमारी खुशी सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे, खुद से इतना मत डरो राजा। तुम्हें लगता है ना
ऊपर वाले ने तुम्हारी तकदीर में खुशियां नहीं लिखी? खुशियां तो उसने हमारी हथेली पे भी नहीं लिखी। जिस तरह तू नदियों के मिलने के बाद दोनों के रास्ते बदल जाते हैं, उसी तरह दो लोगों के मिलने के बाद उन दोनों की तकदीरें बदल जाती हैं। तुम इतना डर क्यों रहे हो? अच्छा अच्छा समझ जा रही हो ना, इसलिए थोड़ा घबरा रही है ना। लेकिन डरते नहीं है क्योंकि क्योंकि हमने खुद से वादा किया है कि हम तुम्हें हमेशा महफूज रखेंगे। बोलो चीज। हाँ, हम भीख मांगते हैं तुमसे, हमें छोड़ दो ना, हमें जाने दो। हमने तुमसे पहले भी कहा था अगर हमारे और राजा के बीच आओगे तो पिस जाओगे। क्यों दुख पहुंचा रहे हो हमें? हमने पहले कहा था ना राजे, हम तुमसे प्यार करते और तुमसे शादी करना चाहते। कहा था ना? चीज प्लीज। अच्छा अच्छा छोड़ दिया, देखो देखे अब ना अब हम तुमसे शादी करेंगे ठीक है। नहीं चलो ए पंडित लगा काम कर, कहीं नहीं जाएंगे हम, कहीं नहीं। और ना हमने हमने घर का कोना कोना छान मारा है, रानी का कुछ पता नहीं। कहाँ गई होगी हमारी रानी? वो जानती है कि हल्दी लगने के बाद दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती। उसे जरूर कुछ हुआ है वरना वो हमारी बात टाल नहीं सकती, वो इस तरह घर से बाहर नहीं जा सकती। कुछ कीजिए, संभालिए इन्हें। आप धीरज रखिए, बैठिए आप, आइए। हमारी रानी कहाँ चली गई? आप निश्चिंत रहिए, आप आराम से बैठिए, निश्चिंत रहिए, हम अभी कुछ करते हैं। कहाँ चली गई? मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन जीव्स का कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा। बिंदु तुम जाओ और राजा को यहाँ लेकर आओ, उसे जरूर पता होगा कि जीवन कहाँ है। अगर हमारी रानी को कुछ हुआ ना राजा तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, समझे तुम? रानी को कुछ नहीं होगा, उसे इस मुसीबत में फंसाया भी मैंने है और उसे इस मुसीबत से निकालूंगा भी मैं ही। जबी, तुम जीवन और रानी के बीच में क्यों आ रहे हो? मतलब तुम जानती हो जीव रानी को कहां लेकर गए? लवी बताओ मुझे रानी कहां है? अगर उसको एक खरवंच भी आ गई मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। नहीं दबी, हमें नहीं पता कि रानी कहाँ है। लवी, अगर मुझे पता चला कि तुम जानती थी जीज रानी को कहाँ लेकर गया है और तुमने मुझे नहीं बताया, रानी के साथ जो कुछ भी होगा ना उसका जिम्मेदार मैं सिर्फ तुम्हें समझूंगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि जीवन रानी को अपने साथ कहीं ले गया और ये कह रहा था कि ये शादी आज और अभी होगी। कहाँ कहाँ कहाँ? बस हमें और कुछ नहीं पता। ये सातवां और आखिरी फेरा है, इसके बाद विवाह संपन्न हो जाएगा। सुना तुमने? तुम्हें हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। हम रोक सकते हैं, हम जान दे देंगे लेकिन ये फेरा नहीं होने देंगे, हमारी इज्जत आ रही है। शिव तेरी इतनी मत। रानी, रानी, साधु, जीतू है ना? ने रानी को छूने की हिम्मत कैसे की? तुझे इतनी क्यों तकलीफ हो रही है राज? सुन, रानी अब हमारी बीवी हो चुकी है और हम उससे बेइंतहा प्यार करते हैं। समझा तू? प्यार करते हैं? तू रानी से प्यार करता तो उसे कभी तकलीफ नहीं देता।
सुना था कि वक्त खुद को दोहराता है, लेकिन आज आज हमने देख लिया, तू एकदम अपनी माँ जैसी है, बहुत जिद्दी है। उसने भी अपने प्यार को पाने के लिए ना जाने कितने इम्तिहान दिए। ऐसे ही तपस्या के बाद उसने अपना प्यार पाया था। मुझे माफ कर दीजिए दादू, मैंने अपनी जिद में रानी को ही नहीं आपको भी बहुत दुख दिया है। मैं सोचा था कि मैं आज ही अपने पिताजी और दादी को बता दूं कि मैंने और रानी ने शादी करने का फैसला कर लिया है। नहीं राजा, वो हमारा मतलब है कि ये खबर तुम नहीं, मैं बताऊंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बेटे की शादी की बात करने का अधिकार सिर्फ माँ को होता है और ये अधिकार इसे कोई नहीं छीन सकता, बेटा भी नहीं। ठीक है, अब बहुत देर हो गई है, हम लोग चले। आंटी, क्या हम सर को थोड़ी देर और रोक ले? क्या है कि हमारे दो दोस्तों की शादी होने वाली है, तो इतने बड़े फैसले की खुशी तो मनानी बनती है ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? यही सच है, राजा और रानी बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं, और रानी और कोई नहीं, राणा जी और रानी गायत्री की बेटी है। राजमाता और उनकी पोती गायत्री दोनों सिद्धा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो कहानी हमने बरसों पहले खत्म की थी, वो कहानी का आखिरी पन्ना अधूरा कैसे रह गया? कोई बात नहीं, वो कहानी हम अब लिख देते हैं। राजमाता और रानी के खून से। राजा, भगवान के लिए अपनी रानी और उसकी दादू को लेकर अमीरकोट से बहुत दूर चला जा। ये मेरे जेवर हैं, इन्हें ले और जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर। माँ, मैंने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की है जो मुंह छुपाकर भाग जाऊं। रानी बचपन से ही अकेली रही है माँ, उसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी और फिर कुछ सालों बाद उसके बाबा भी। उसे कभी परिवार नहीं मिला माँ, पर अब मिलेगा। और तू उसे माँ का प्यार देगी? मैं उसे यहाँ से ले जाकर उससे इस माँ का प्यार छीन कैसे सकता हूँ? अब मैं तुझे कैसे समझाऊँ राजा कि मुझे रानी और राजमाता के लिए इतना डर क्यों लग रहा है? माँ, तू इसी बात से डर रही है ना कि रानी की रगों में चाहे खून नहीं दौड़ रहा? बस माँ, बस एक बार बड़ी रानी माँ और पिताजी को उसकी दादू से मिल लेने दे, बस उन्हें अपने आप यकीन हो जाएगा कि रानी गरीब जरूर है लेकिन उसके संस्कार किसी राजकुमारी से कम नहीं है। अगर तेरी यही स्थिति है ना, तो मैं कल सुबह उनसे बात करूंगी।
आओ दादू, अंदर चलिए। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। ये जगह अपनी अपनी सी लगती है दादू। जहाँ अपने होते हैं वो जगह अपनी ही लगती है, और यहाँ मैं हूँ ना, आपका अपना। इस महल का हर फैसला हम लेते हैं, फिर तुमने अपनी शादी का फैसला हमें पूछे बिना कैसे ले लिया? क्योंकि मेरा किया हुआ फैसला आपको मंजूर नहीं होता, और आपकी ना मुझे मंजूर नहीं होती। इसलिए मैंने आपको बिना बताए रानी की दादू से उसका हाथ मांग लिया। और एक बात याद रखिए पिताजी, अगर आपने रानी या उसकी दादू को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो आप अपना बेटा हमेशा के लिए खो देंगे। समय से आप लोगों से मिलना चाहते थे, आज मौका मिला। लगता है हमें यहां देख के आप लोगों को खुशी नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है दादू, आप बैठिए ना, बैठकर बात करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे जैसे हम आपको जानते हैं, आपका हमारा कोई पुराना रिश्ता है। सॉरी बड़ी रानी माँ, वो दरअसल हमारी दादू अपनी याददाश्त खो चुकी है। तो वो सबको पहचानने की कोशिश करती रहती है। ओह, बड़ा अफसोस हुआ ये जानकर। और कसौली जाने से पहले हम लोग आमेरकोट के पास ही रहते थे, तो हो सकता है दादू ने आपको वहाँ कहीं देखा हो। कमाल की बात है, आप लोग आमेरकोट में हमारे इतने करीब रहते थे और हमें मालूम तक नहीं पड़ा। हमें खबर होती तो आज ये यहाँ बैठी नहीं होती। मतलब हम महाराज काल से कहकर इनका ऐसा इलाज करवाते हैं कि फिर उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती। हमारी पोती हमारा गुरूर है। हमारे पास दौलत नहीं थी, संस्कार थे, हमने इसे वही दिए हैं। ये जिस घर में जाएगी
उस घर को अपने संस्कारों से सजा देगी। राजा बेटा और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनके रिश्ते की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। सच कहें तो हम इस रिश्ते से और रानी से पहले खुश नहीं थे, लेकिन आपसे मिलकर और ये जानकर कि रानी आपकी पोती है, हमारे सारे एतराज खत्म हो गए। ये रिश्ता हमें मंजूर है।